सीधे लिए चलते हैं, मंदिर गिराकर मस्जिद बनाने का जिक्र नहीं है, ये भी एक महत्वपूर्ण लाइन है। निशांत क्या खबर, जल्दी से अगर वहां से आप बताएं। पर उनका सूट जो है विद इन लिमिटेशन है, मियाद के अंदर रखे। इस वक्त बड़ी खबर है, जैन साहब हमें बता रहे हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड के बारे में, क्या बता रहे हैं? सुन्नी वक्फ बोर्ड को सूट फाइल करने की पावर नहीं है, उनको जो सूट फाइल किया है वो विद इन लिमिटेशन है, मतलब विद इन लिमिटेशन का मियाद के अंदर है, मियाद के अंदर है। लेकिन एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आई, पहले शिया वक्फ बोर्ड का रिजेक्ट कर दिया गया, निर्मोही अखाड़ा का रिजेक्ट कर दिया गया, और सुन्नी वक्फ बोर्ड का ये जो आया, इसका अर्थ क्या मतलब निकला? अरे सुन्नी वक्फ बोर्ड को सूट फाइल करने की पावर नहीं है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का सूट फाइल करने की पावर नहीं, अभी तो आया, अभी आ गया था। तो अब ये तो धीरे धीरे रामलला की ओर ही ज्यादा मूव करता दिखाई दे रहा है। हाँ जी, यानी कि देखिए, हम आपको इंटरप्रिटेशन नहीं बता रहे, हम आपको डायरेक्टली बता रहे हैं। निशांत तुमसे ये भी पूछिए, जब ये कहा गया है कि एक सेकंड, मालिकाना हक में कानूनी पक्ष देखा जाएगा, वहाँ पर आस्था नहीं, कानूनी पक्ष पर ही फैसला दिया जाएगा, इसको वो कैसे इंटरप्रेट कर? लिमिटेशन होता है, पार्टी अप्लाई नहीं करता, कैमरा पीछे का ले यार, मतलब विद इन। अच्छा, ये पूछा जा रहा है, ये मालिकाना हक में कानूनी पक्ष ही देखा जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? तो इसमें फिर क्या समझा जाएगा? अभी आने दीजिए, इसका इंतजार। देखिए अंजना, जो जो चीजें अंदर से आ रही हैं, जो चीजें अंदर से आ रही हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। लेकिन मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन अभी दे रहा हूँ, वो दो तीन चीजें हम पहले से क्लियर कर देते हैं। पहला तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को लेकर उनके पास लीगल प्रोसीडिंग, सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिहाज से, सुन्नी वक्फ बोर्ड से मतलब सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिहाज से उनके पास कोई लीगल प्रोसीडिंग करने का अधिकार नहीं है, और शिया ऑलरेडी निर्मोही अखाड़ा का ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, और सिर्फ रामलला विराजमान बच्चे इसमें। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ, सुन्नी वोट के लिए एडवांस ऑर्डर आ गई, सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए एडवांस ऑर्डर आ गया है, शिया वक्फ बोर्ड इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो उसको पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया, निर्मोही अखाड़ा को रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसमें एक ही तो चीज बचती है, फिर अब अभी दो चीज बचती है, कि उनका कोई बाकी मुस्लिम का क्लेम है कि हिंदू का क्लेम है। हाँ, अब इस पर आ गया मामला, अब मामला इस पर आ गया है। देखिए, हमें जो उम्मीद थी, हमें बताया जा रहा था ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा जाएगा, लेकिन अच्छा एक और चीज जैन साहब, ये तो यूनानिमसली आ रहा है फैसला, यूनानिमसली आ रहा है, मतलब सबने एक साथ ने किया, पांचों ने कोई डिविजन नहीं, तो इसको बाद में कंटेस्ट भी नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है, कंटेस्ट बहुत ही होती है, बात की बात है, अभी वकील के पास हथियार की कमी नहीं होती है, और वकीलों का काम यही है कि तिल का ताड़ बनाना, तो कुछ भी हो सकता है। अभी आज की बात कीजिए। जी 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 जी, तो देखिए अंजना, ये जो चीज है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो बता रहा हूँ, एक एक चीज जो अंदर से आ रही है।